हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम फ्रेंड्स हम आज जो पोम कवर करने वाले हैं उसका नाम है फॉक क्लास टेंथ की ये पोएट्री है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइट्री क्योंकि बहुत छोटी सी है सिक्स लाइन की बहुत प्यारी सी पोम है ये सो so, जैसा कि आपको पता है हम इतने दिनों से एम सीरीज़ लेके चल रहे हैं बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाएगा तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है. So, पोएट्री फॉक से सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट पोएट का नाम बता दो तो पोएट का नाम क्या है कार्ल सैनबर्ग है ठीक है याद रखिएगा इसको वट डज दुक लाइक फॉक लुक सॉरी लुक ओवर सो वॉट डॉग लुक ओवर किसकी तरफ देखती हुई देख रही है वो तो वो कहाँ देख रही है ओवर द हार्बर एंड द सिटी ओवर द हार्बर एंड द सिटी तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाउ डज द फॉक कम फॉक कैसे आती है तो देखिए अपन जब पोयम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि फॉक कम साइलेंटली है ना तो स्लोली एंड साइलेंटली वो आ रही है What इज़ द rhyme स्कीम ऑफ द पोम फोक अगर आप देखेंगे तो आ, जैसा मैंने लास्ट कुछ पोएम में भी आपको बताया था कि राइम स्कीम क्या होता है जब लास्ट वर्ड्स जो होते हैं किसी भी पोएम के अगर वो एक दूसरे से साउंड में मैच खा रहे हैं और एक जैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो राइम स्कीम बनती है लेकिन हमारी ये जो पोम है इसके अंदर ऐसे कोई वर्ड्स नहीं हैं अगर आपके पास पोम है तो कॉपी उठा के देखेगा उसके अंदर लास्ट में वर्ड है कम्स। फिर है फीट लास्ट वर्ड दूसरी लाइन का ठीक है ना फिर है लुकिंग ठीक है फिर उसके बाद में सिटी फिर हॉन्चस हॉन्च है और फिर जो लास्ट एक वर्ड है वो है ऑन तो मुझे बताओ क्या इनमें से कोई भी वर्ड एक दूसरे से राइम कर रहा है है ना जैसे अगर कम्स सम्स ऐसा कुछ होता तो हम समझ सकते थे ना लेकिन यहाँ पर कोई भी आखिरी वर्ड एक दूसरे से साउंड में मैच नहीं हो रहा है एक जैसा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इसलिए इस पोयम में कोई राइम नहीं है आप क्या लगाएंगे नो राइम स्कीम इसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है ठीक है वॉट इज द फॉग डू वाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर क्या करती है तो वो क्या करती है सिट्स वॉट हैज़ बीन परसोनिफाइड इन द पोम परसोनीफाइड कब होता है देखो मैंने लास्ट पोएम में भी ये बताया था कि personification का मतलब होता है परसोनीफिकेशन परसोनीफिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन की क्वालिटी किसको दे देते हो नॉन लिविंग बिंग को दे देते हो तो वहाँ पर पर्सोनिफाइड होता है वो चीज़ जिसको वो क्वालिटी दी गई है देखिए यहाँ पर फॉग कोहरे की बात हो रही थी कि कोहरा कैसे आता है साइलेंटली मुझे बताओ क्या वो साइलेंटली आ सकता है या जा सकता है नहीं है ना साइलेंटली एक क्वालिटी है किसी ह्यूमन ंग की होने की वो साइलेंटली मूव कर रहा है या बैठा हुआ है या इस तरह से है ना तो फॉग को यहाँ पर हमने कैसे कंसीडर किया एक ह्यूमन बींग के जैसे हम ट्रीट कर रहे हैं और जब किसी को हम ऐसे ट्रीट करते हैं तो वहां पर क्या होता है परसोनिफिकेशन होता है तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी चीज को परसोनिफाइड किया है पोम के अंदर तो फॉग को किया है क्योंकि वो साइलेंटली आ रही है है ना और लेकिन वो साइलेंटली तो आ नहीं सकती हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट कैसे आती है और चले जाती है तो भाई वो कैसे आ रही है वो एकदम साइलेंटली आ रही है और साइलेंटली ही चले जाती है पता ही नहीं चलती है फर्स्ट लाइन तो जब आप पढ़ोगे उसके जस्ट सेकेंड लाइन में लिखा है किससे किया है कैट से किया है आफ्टर सिटिंग फॉग मतलब थोड़ी देर रुकती जब है वो उसके बाद वो क्या करती है Disappear हो जाती है मूव ऑन हो जाती है सिट देर ओनली गेट स्टेंस क्या होती है तो इट मूव ऑन है ना आगे चली जाती है द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक देखो यहां पर फिर से आपको पता होना चाहिए अगर मैं पूछूँ इस लाइन में क्या है तो ये लाइक वर्ड आया है लास्ट पोम आपको बताया था ना मैंने कि अगर लाइक और एज आता है तो वहाँ सिमिली होता है हालांकि क्वेश्चन आपको सिमिली या किसी लिटरेरी डि लिटरेरी डिवाइस का नहीं पूछा है या तो सिर्फ आपको फिलिंदा ब्लैंक वे में पूछा है कि द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक like, किसके तरह हैं तो किसके जैसे हैं कैट के जैसे, जैसे क्योंकि कैट से कंपेयर करा है क्योंकि कैट के जो पॉज होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं इतने जेंटल होते हैं कि वो वॉक जब करती है तो पता ही नहीं चलता कि कैट घर के अंदर आ गई है ना तो इसीलिए फॉग को भी किससे कंपेयर किया कैट से कंपेयर किया कि फॉग जब आता है तो पता ही नहीं चलता कब आके कब सिटी से बाहर मूव ऑन कर जाता है तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस अगर यूज़ हुई है तो देखिए लाइक क्योंकि कंपेयर हो रहा है किसका फॉग का किससे से कैट से कंपेयर हो रहा है ना तो इसीलिए लिए यहाँ पर क्या होगी सेमेली होगी अगर पूछे तो अदरवाइज तो कोई बात नहीं लेकिन मैंने बता दिया आपको तो ये थे हमारे दस क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू और उसके अलावा आप इसको रीड करके जाइए इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हाँ और सेंट्रल आइडिया आप ज़रूर करके जाइए मैक्सिमम है ना ज़्यादातर इन पोएम का डस्ट ऑफ स्नो हो गया फायर एंड आइस हो गया फॉग हो गई तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री हैं और ट्री हो गई ये बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री हैं इनके सेंट्रल आइडियाज़ पूछे जाते हैं थ्री मार्क्स में तो आप नहीं चाहते होंगे कि आपके थ्री मार्क्स चले जाएं राइट सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल जल्दी से हम ये सीरीज़ फिनिश करेंगे और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रैक्ट की तरफ भी मूव करेंगे क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स के हार्डली कुछ दिन रह गए हैं ओके थैंक यू बाय टेक केयर